नमस्कार। आप भी सोचते होंगे कि मेरा नसीब खराब है और मेरा नसीब कब बदलेगा, मैं कब खुश रहूंगा, मैं भाग्य कब बदलेगा। तो इसी तरह से एक और आदमी था कि उसको भी बहुत लगता था कि मेरा नसीब बहुत ख़राब है और उसने प्लान बनाया कि मैं बुद्ध से पूछूंगा। ये पुराना ज़माना का कहानी है और उन्होंने बुद्ध से अपना नसीब के बारे में पूछने का प्लान बनाने के बाद चलने लगा। नमस्कार, मेरा नाम धीरेन और इस चैनल में आपको स्वागत करते हुए आपका जीवन बदलने वाला ये कहानी बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को पूर्ण रूप से जरूर देख लीजिएगा। और जो बुद्ध से अपना भाग्य के बारे में पूछने के लिए जा रहे थे तो वो चलने लगा तो रास्ते में एक आदमी मिला। उसने उसको पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो। आदमी भला था, उसने बता दिया कि मैं बुद्ध से अपना भाग्य के बारे में पूछने जा रहा हूँ कि मेरा भाग्य कब बदलेगा। तो उस आदमी ने अचानक एक रिक्वेस्ट किया और बताया कि मेरा भी एक क्वेश्चन है, जरूर पूछ लेना। तो क्या है, पूछा तो मेरा बेटी बोल नहीं पाती है, कब बोलेगी, मैं बहुत कोशिश किया बोल ही नहीं सकती है, इसीलिए उसको भी पूछ के आना। तो उस आदमी ने जरूर पूछूंगा बोल के वचन देके आगे बढ़ गया। और आगे चलते चलते और एक आदमी मिला जो जादूगर था। उसने भी पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उस आदमी ने बोल दिया कि मैं अपना भाग्य के बारे में बुद्ध से पूछने जा रहा हूँ। ओहो, मेरा भी एक प्रश्न है, पूछ लेना। तो उसने बोल दिया हाँ ठीक है, क्या प्रश्न है। बोला तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं बहुत लोगों को जादू दिखाकर इंटरटेन करता हूँ, मेरा पास बहुत ज्ञान है, पैसा भी है, लेकिन मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, वो मुझे पता नहीं है। तो ठीक है, मैं पूछ लूँगा बोल के आगे बढ़ गया। और आगे एक नदी को पार करना था। नदी पार करने से पहले एक कछुआ मिल गया। तो कछुआ ने उसको पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उस आदमी ने बोल दिया कछुआ को, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ मेरा भाग्य के बारे में पूछने के लिए। ओ, मेरा भी एक क्वेश्चन है, प्लीज़ उसको भी पूछ लेना। और उस कछुआ ने बोला कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ, बहुत कोशिश किया, तो इस मैं कब ड्रैगन बन सकता हूँ, कैसे बन सकता हूँ, जरूर पूछ लेना। तो वो आदमी आगे चला गया और बुद्ध के पास पहुँचते ही बुद्ध ने उसको बोल दिया कि आप जो भी पूछना है पूछ लो, लेकिन तीन ही क्वेश्चन पूछ सकते हो। वो आदमी भला था, इसलिए सोचा कि मेरा तो ज़्यादा बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तो इनका है, इनका पहले पूछ लेता हूँ बोल के। एक लड़की है एक जो कि बोल नहीं पाती है, उसका आवाज़ कब आएगा, वो कब बोल पाएगी। तो बुद्ध ने बोला उसको जब जीवन साथी मिलेगा तब वो बोलने लग जाएगी। तो और एक क्वेश्चन है कि एक जादूगर है, वो स्वर्ग जाना चाहता है, वो कब स्वर्ग जा पाएगा। तो बुद्ध ने बोला जब वो अपना जादू का छड़ी छोड़ देगा, फेंक देगा या किसी को दे देगा, तब वो स्वर्ग जा पाएगा। तो तीसरा सवाल किया कि एक कछुआ है, वो ड्राइगर बनना चाहता है, वो कब ड्राइगर बन सकता है। जो बुद्ध ने बोला कि वो जब अपना कवच छोड़ देगा, कछुआ का जो कवच होता है वो छोड़ देगा, तब वो ड्राइगन बन जाएगा। तो उसी तरह से वो वापस आया और कछुआ से मिला। कछुआ बोला कि तुम जब अपना कवच छोड़ दोगे तब ड्राइगन बन जाओगे। तो उसने कवच छोड़ दिया और वो ड्रैगन बन गया और चला गया, और कवच से ढेर सारे मोतियाँ निकला, वो आदमी का हो गया वो मोती। और आगे बढ़ गया तो जादू वाला मिल गया और जादूगर को बोला कि तुम जब ये जादू का छड़ी फेंक दोगे या किसी को दे दोगे तब तुम स्वर्ग जा पाओगे। और वो जादूगर ने तुरंत उसी आदमी को जादू का छड़ी पकड़ा दिया और वो स्वर्ग चला गया, वो जादू का छड़ी भी उसका हो गया। अब जब लास्ट में जो बेटी का बाप है उससे मिला, तो उस घर में वो बेटी भी थी और बेटी ने अचानक बोल दिया कि आप वही है ना जो एक प्रश्न पूछने जा रहे थे। तो उसी टाइम अचानक हो गया कि अब उसको जीवन साथी भी मिल गया, इसका मतलब वही उसका जीवन साथी बन गया। तो इससे ये हमको सीख मिलता है कि जिसने अपना लिए नहीं दूसरा के लिए जो भी काम किया उसको जरूर मिलेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये नेचर का नियम है, भगवान का आशीर्वाद। समझ के आप यदि दूसरा के लिए काम करोगे तो आपको जरूर फायदा होगा, आपका जरूर जीवन बदलेगा। लेकिन आप यदि अपना ही बारे में सोचेंगे, सेल्फिश बन के दूसरा के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, दूसरा के लिए कभी काम नहीं करेंगे, तो आपका जीवन में सफलता शायद नहीं आएगा, ऐसे ये कहानी बताता है। ये कहानी कैसा लगा आप लाइक कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं। और मैंने इससे पहले ये जो DWM105 डिजिटेक का वायरलेस माइक है उसका रिव्यू करके दूसरा चैनल मेरा डिजिटेक टिप्स धीरेन में डाला हूँ, उसको भी आप यदि वीडियो बनाने के लिए इंटरेस्टेड है, इच्छुक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उस चैनल में जाके ढेर सारे वीडियो आपको मिलेगा टेक्निकल डिजिटल रिलेटेड, उसको भी आप देख सकते हैं। और आपको ये अच्छा लगा तो इसी तरह का वीडियो लेके फिर आऊँगा, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन को भी ऑल में हिट कर सकते हैं। अपना प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए। आप खुशी रहें, सुखी रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।